बात करते हैं कि फिक्शन में किस किस्म की कहानियाँ होती हैं कहानियां जो हैं वो जैसे कि मैं बोल रही थी पहले कि ख्वाब से लीवी जाती हैं कुछ जिंदगी से लीवी जाती हैं मगर बेसिक चीज़ ये होती है कि फिक्शन जो है वो मेड अप है इट इज़ नॉट रियलिटी इट इज़ मेड अप देर इज नो फैक्ट टू इट इट इज़ ऑल योर इमेजिनेशन एक हम जो छोटे छोटे बच्चे जो है ना जब किस्से सुनाते हैं और कहते हैं कि जी अम्मी अम्मी हमने आ, जाके चांद पे आ, आ, दादी से कहानियाँ सुनी अब ये तो नहीं होता ना जिंदगी में मगर ये एक इमेजिनेशन है जो उस बच्चे ने कैप्चर की और यही जब हम कहानी इसकी बना लेते हैं लफ्ज़ों में उसको बंद कर देते हैं किताब बना देते हैं उसको हम फिक्शन कहते हैं अब हमें ये तो पता चल गया कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन होता क्या है अब हमें ये देखना है कि फ़िक्शन आता कहाँ से है वेट इज़ इट कम फ्रॉम वट वी नो वाट फिक्शन इज़ वी नो वाट नॉन फिक्शन इज़ सो हाउ वन वी डिसाइडेड कि हमने फ़िक्शन लिखना है तो ये आता कहाँ से है ये हमारी रियलिटी से भी आता है ये हमारे ख्वाबों से भी आता है और ये वो ख्वाब हैं जो हम दिन में भी देखते हैं या रात में भी देखते हैं मगर हमें याद रहते हैं तो फिक्शन लिखने के लिए एक बहुत स्ट्रांग इमेजिनेशन चाहिए यानी कि आप इतना मज़े का ख्याली पुलाव बनाएं उसको लफ्ज़ों में डालें और उसकी किताब बना लें अली तरीन फ़िक्शन बनता है और जब हम बहुत सारे राइटर्स फ़िक्शन के पढ़ते हैं तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये ज़िंदगी में होता है मगर बिल्कुल ऐसा नहीं होता मगर उसी में हमें मज़ा भी आता है क्योंकि हमें ये अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर ले जाती है हमें अपनी ज़िंदगी से ज़रा हट के कोई चीज़ बताती है तो जब हम फिक्शन लिखने जाते हैं तो हमें ये सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए वी नीड टू मेक श्योर दैट वाइल इट्स एम्बेडेड इन रियालिटी देर इज़ अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन इन देर और फिक्शन लिखने के लिए वी शुड लेट आर इमेजिनेशन रन वाइल्ड एब्सोल्युटली। तो हमें दिन में ख़्वाब देखने हैं हमें ये देखना है कि अगर हम एक कमरा लेते हैं तो उस कमरे में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे कुछ ऐसी जो शायद हमारे अपने ड्राइंग रूम में हैं या अपने हमारे किसी दोस्त के ड्राइंग रूम में थी मगर हमें पसंद है तो हम उस ड्राइंग रूम में वो चीज़ें भी डालेंगे और लोगों को बताएंगे वो वहाँ पर है हो सकता है कि आप ख़ुद हो वहाँ पर तो अपने जैसा एक कैरेक्टर बना लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि चलो अकेले क्या करेंगे काफ़ी देर अकेले बैठ लिए कुछ लोग और ले आएंगे वो लोग हो सकता है उनकी पर्सनालिटीज़ वैसी हों जिससे आपने कभी कोई ज़िंदगी में किसी से मिले हों या बिल्कुल आपके ख्वाब की हों आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा हो जो आपको याद हो और उसकी तरह का एक कैरेक्टर हो या वैसे ही आपने बना लिया हो मन घरत हो तो ये सारी चीज़ें कुछ ज़िंदगी से मिलती हुई कुछ आप जो इमेजिन करते हैं वो सब जब मिलती हैं तो एक फ़िक्शन बनता है

अब एक गाड़ी को हम डिस्क्राइब करते हैं एक नॉन फिक्शन राइटर उसको लिखेगा टोयोटा अल्टस रेड कलर मगर एक फ़िक्शन राइटर उसको लिखेगा बहुत बड़ी सी गाड़ी थी जिसके इंतहाई मोटे मोटे पहिए थे जो कि सड़क को ग्रिप करके चलते थे मगर जब उनका जीचा आता था तो, तो वो हवा में भी उड़ जाते थे ताकि स्पीड तेज़ हो सके अगर गाड़ी ज़मीन पर लगी हुई है तो और गाड़ियाँ साथ साथ चलती हैं आप आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं मगर अगर जी है कि हवा में उड़ जाएं तो वो पहिए ऊपर होके आप हवा में उड़ने लगते हैं इसको हम फिक्शन राइटिंग कहते हैं मगर द कॉन्टेंट ऑफ द राइटिंग इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम रियलिटी फ्रॉम रियल लाइफ तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऑब्ज़र्व करें लोगों को चीज़ों को हमारे इर्द गिर्द के माहौल को हमारे हर सेंसेस जो होते हैं ना हमारे जो छह सेंसेस हैं उनको उजागर करना है पढ़ने वाले के लिए उजागर करना है तो हमें हर सेंस को अपील करना बहुत ज़रूरी है सेंस ऑफ स्मेल सो यू नीड टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ इट स्मेल्स सेंस ऑफ विजन यू नीड टू डिस्क्राइब द ईच एंड एवरी डिटेल कि वो दिखता कैसे है उसकी अगर चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं तो चेहरे पे झुरियाँ हैं या नहीं हैं रंग कैसा है आंखें बड़ी हैं छोटी हैं चमकदार हैं तो ये जो डिटेल्स हैं इसी से एक किरदार आपका कैरेक्टर बढ़ता बनता चला जाता है एक इन्वायरमेंट बनती चली जाती है एक कहानी खिंचती चली जाती है और जो पढ़ने वाला है वो उसको मज़ा आता रहता है कि हाँ ये तो और पढ़ना है तो जब हम लिखते हैं तो हमें उस तरह लिखना चाहिए जिस तरह हम पढ़ना चाहते हैं जो हमें ख्वाब में नज़र आता है जो हम मज़े ले लेके सुनाते हैं या सुनते हैं या सोचते हैं उसी तरह हमें पढ़ के मज़ा आना चाहिए इसका एक ख़ास टेक्निक है उसको हम कहते हैं डे ड्रीम टेक्निक यानी कि हम इतना विविडली इमेजिन करें जागते हुए इमेजिन करें सोते हुए भी नहीं सोते हुए जो आपको ख्वाब याद है वो तो आप याद रखें और लिख लें मगर जो हम जागते हुए ख्वाब देखते हैं उसको इतने ग़ौर से एक एक डिटेल से वो ख़्वाब सोच लें दिन में पहले और फिर उनको लफ्ज़ों में उतार लें हम सोचते भी कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो तस्वीरों में सोचते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो लफ्ज़ों से सोचते हैं जो लफ्ज़ों से सोचते हैं वो लिखते भी बेहतर हैं तो ज़रूरी है कि हम तस्वीरों से भी सोचें और लफ्ज़ों से भी सोचें मगर पहले सोचना बहुत ज़रूरी है तो जिस तरह हम कहते थे ना कि बहुत सारी हम हम लोगों ने आपने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं मगर बचपन में मुझे बड़ा याद है चचा छक्कन की हम कहानियाँ सुनते थे ख्याली पलाव बनाते रहते थे घर में बैठे ऐसी ऐसी कहानियाँ जड़ लेते थे कि बंदा सोचता था कि वाह वाह इनकी ज़िंदगी तो बड़ी ज़बरदस्त है मगर जो एक्चुअल ज़िंदगी थी वो ज़बरदस्त नहीं थी मगर हमें एक फ़िक्शन राइटर बनने के लिए चचा छक्कन बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन थी और उनकी जो तहरीर थी उसमें जो हमें मज़ा आता था वो ज़िंदगी के सख्तियों से उतार चढ़ाव से शायद इतना मज़ा ना आए एक फ़िक्शन राइटर को या एक फ़िक्शन पढ़ने वाले को जिसको शौक़ हो इस जॉनर का सो डे ड्रीमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डे ड्रीम इन डिटेल जिंदगी के कुछ चीज़ें लें कुछ ख्वाबों की चीज़ें लें और फिर कुछ ऐसी चीज़ें शायद किसी ने ना कभी सोची हूँ डरना नहीं है जो आ रहा है मन में लिख देना चाहिए सोचना नहीं है ज़्यादा पहले ड्राफ्ट में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए वन शुड जस्ट कीप राइटिंग देर मैनी वेज दैट वन कैन राइट एंड दे फोर दोज बिकम पार्ट ऑफ द फिक्शन जॉनर जो हमने बात की कॉन्टेंट की पहले कि लिखना क्या चाहिए कैसे चाहिए अब हम बात करते हैं फॉर्म की किस तरीके से लिख सकते हैं फिक्शन में पोइट्री भी है फिक्शन में नॉवेल्स भी हैं फ़िक्शन में ड्रामा भी है फ़िक्शन में साइंस फिक्शन भी है रियल फिक्शन भी है इतने सारे टाइप्स हैं और आज कल तो और भी नए नए किस्म के फ़िक्शन के जानरस निकल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल माइथोपिया बहुत से लोग जो हैं गेम ऑफ़ थ्रोन्स देखते हैं एडिक्टेड तरीके से देखते हैं जब गेम ऑफ थ्रोन्स लिखी गई है उसका जॉनर है माइथोपिया यानी कि माइथोलॉजी से इंस्पायर होके आप एक किताब लिख रहे हैं जिसकी किसी जो रोमन माइथोलॉजी है ग्रीक माइथोलॉजी है उससे आपने इंस्पायर हुए और उससे एक और माइथोलॉजी आपने निकाली एक और दुनिया की आपने एक कहानी लिखी क्लाइफाई है यानी कि क्लाइमेट फिक्शन जुरासिक पार्क एक बहुत बड़ा इसका एग्ज़ाम्पल है क्लाइमेट से जो डायनासोर्स थे वो अफेक्ट हुए या जो आपके बहुत सारे टोर्नेडोज़ वाले मूवीज़ uh, होती हैं या वो स्क्रिप्ट्स हैं बहुत सारी वो जो किताबें हैं जो कि क्लाइमेट की क्राइसिस के ऊपर होती हैं दोज़ आर क्लाइफायर्स सो दो आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरल दैट फिक्शन हैज़ तो फॉर्मेट जो है वो मुख्तलफ हो सकता है फॉर्मेट बहुत मज़े मज़े का भी होता है हाउेवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फ़िक्शन में इमेजिनेशन को कैप्चर करना है हमने एंड दैट इज़ द की टू फिक्शन राइटिंग